लखीमपुर खीरी के विकासखंड ईसानगर के अंतर्गत प्रधानों ने मिलकर विकासखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। खंड विकास अधिकारी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से ज्ञापन सौंपकर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में MMMS के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति के बाबत शासन द्वारा निर्गत आदेश का विरोध भी जताया गया। इस मौके पर डॉक्टर श्याम नारायण शुक्ल प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन भी मौजूद रहे। प्रदेश महासचिव डॉक्टर श्याम नारायण शुक्ला की अगुवाई में प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे को ज्ञापन देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव द्वारा खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे को यह भी बताया गया कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बार हम लोग मजबूर होकर धरने पर बैठ सकते हैं। जबकि नए आदेश में मनरेगा अंतर्गत मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के जरिए 1 जनवरी 2023 से सभी सामुदायिक मूल कार्यों पर चाहे 20 से ज्यादा हो या 20 से कम MMMS से उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी हुआ। प्रधानों द्वारा इस आदेश का विरोध किया गया क्योंकि जारी हुए आदेश में दोनों समय उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है, मगर प्रधानों का मानना है नेटवर्किंग सिस्टम में अन्य कई समस्याओं के चलते मनरेगा के तहत कार्य करना मुश्किल हो रहा है। खंड विकास अधिकारी नीरज दुबे को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। लखनऊ से आए प्रदेश महासचिव की अगुवाई में प्रधानों द्वारा सर्वसम्मति से श्रद्धा तिवारी को प्रधान संघ का ब्लॉक भी चुना गया। लखीमपुर खीरी से सतीश गुप्ता के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट।